हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम क्वेस्ट। दोस्तों, हरियाणा जीके 1000 क्वेश्चन सीरीज में आज हम हरियाणा के कृषि पशुपालन एवं उससे संबंधित योजनाओं का भाग दो करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलमोस्ट 65 क्वेश्चन हमने कवर किए थे और आज हम 45 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि में प्रदान किया जाने वाला राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, कृषि में सबसे बड़ा पुरस्कार जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है वो है ताऊ देवीलाल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक उपहार योजना के अंतर्गत राज्य में कितनी राशि के कूपन प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों, ये 5000 रुपए के कूपन कृषकों को प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हरियाणा में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर अब कृषक एवं किसान मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चारा बीज फार्म कहाँ पर स्थित? तो दोस्तों, चारा बीज फार्म हिसार में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी? तो दोस्तों, इसमें गन्ना एवं कपास जो है ये दो फसलें हैं जो की व्यावसायिक फसलें हैं हमारे, जिनका कॉमर्शियली हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए किस फसल की खेती की जाती है? तो दोस्तों, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हम ढैंचा और मूंग की जो फसलें वो हम अपने खेत में उगाते हैं ताकि मिट्टी जो उर्वरता है वो बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल गेहूं का कितना उत्पादन होता है? तो हरियाणा राज्य में गेहूं का कुल 12% देश की कंपैरिजन में उत्पादन किया जाता है, और इसमें एक विशेष बात यह है कि गेहूं सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल भी है। तो हरियाणा में जो गेहूं है वो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल भी गेहूं है। कौन सा देश फलों व जैतून की खेती में हरियाणा की मदद करेगा? तो दोस्तों, ये स्पेन है जो हरियाणा की फलों और जैतून की खेती में मदद करेगा हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सब्जी मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों, ये गन्नौर सोनीपत में राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की गई है। सोनीपत में कौन सा गाँव प्रदेश में मशरूम उत्पादन में प्रथम? दोस्तों, सोनीपत का खुबड़ू गांव है वो प्रदेश में, और अगर पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा मशरूम का उत्पादन खुबड़ू सोनीपत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कृषक उपहार योजना कब प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों, कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 18वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार को की जाती थी? तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी में बुधवार को खेतों की जुताई की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 19वीं शताब्दी में खेतों की जुताई किस वार को की जाती थी? तो 19वीं शताब्दी में दोस्तों खेतों की जुताई सोमवार को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में हरियाणा में भूमि कर एकत्रित करने के लिए कौन सा कर होता था? तो दोस्तों, ये साहिब दीवान नाम से कर होता था जो कि किसानों से एकत्रित किया जाता था, और सूरदास ने इसे मुसाहिब के नाम से भी संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों, खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा योजना जो है वो 2014 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत कृषि कार्यों के दौरान अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उसको 5 लाख रुपए देने का प्रोविजन रखा है, और अगर कोई विकलांग हो जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपए देने का सरकार ने प्रोविजन रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो दोस्तों, राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र, पशु विज्ञान केंद्र कैथल में खोला गया। हरियाणा व देश का प्रथम नंदघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, देश का और हरियाणा का प्रथम नंदघर हसनपुर सोनीपत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूरा नस्ल की भैंस राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों, जींद में सबसे ज्यादा मूरा नस्ल की भैंस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस की उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो मुर्रा भैंस का जो उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो है मॉन्टेन गोमरी जिला पाकिस्तान। तो दोस्तों, मुर्रा भैंस की उत्पत्ति स्थल मॉन्टेन गोमरी जिला पाकिस्तान है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम क्या है? तो मुर्रा भैंस का जो स्थानीय नाम है दोस्तों वो खुंडी है। अगला क्वेश्चन है, एशियन ट्रैक्टर की संख्या किसे दी गई है? तो दोस्तों, एशियन ट्रैक्टर की संख्या मुर्रा भैंस को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस नस्ल की गायें सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गायें हैं वो साहिवाल है, जिसका रंग लाल है, और साहिवाल गाय की उत्पत्ति जो स्थल है वो साहिवाल जिला पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम गौशाला स्थापित कब की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1878 में की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई, और दोस्तों इसको रेवाड़ी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रजिस्टर्ड गौशाला कितनी? तो टोटल हरियाणा राज्य की अगर हम बात करते हैं तो
157 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना कब चालू की गई थी? तो ये 18 मार्च 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गौधन संरक्षण व संवर्धन कानून लागू कब किया गया? तो ये 16 मार्च 2015 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गौधन पर कितने साल की सजा का प्रावधान रखा गया है? तो दोस्तों ये 24 वर्ष का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गोचारा भूमि कब्जा मुक्त आंदोलन का जनक कौन है? तो गोचारा कब्जा भूमि आंदोलन का जनक संत गोपाल दास जी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है? तो राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 673 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा घोड़े करनाल में पाए जाते हैं। राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता स्थानों से किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं मिलती है? तो दोस्तों घोड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता स्थानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 25 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस के किसान को राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि इनाम के रूप में प्रदान की जाती है? तो दोस्तों 30,000 रुपए किसान को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पशुधन बीमा योजना कब चालू की गई? तो दोस्तों हरियाणा पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को झज्जर से शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन श्री ओम प्रकाश धमकड़, जो कि उस समय कृषि मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने किया था। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बीमा योजना में 7 पशु कवर किए गए थे, जिसमें गायें, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़ और बकरी थी। इसमें कुल 3 वर्ष तक का बीमा किया जाएगा। दुधारू पशुओं के लिए प्रतिदिन 14 किलोग्राम दूध की शर्त रखी गई है और एससी एसटी के लिए बीमा राशि मुक्त रखी गई है। गायें, भैंस, बैल और ऊंट का 3 साल के लिए 100 रुपए में बीमा होगा और भेड़, बकरी और सुअर का 3 साल के लिए 25 रुपए में बीमा किया जाएगा, ऐसा इस योजना में फिक्स किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ये नारनौंद हिसार में की गई थी। राज्य में पालतू पशु को आवारा छोड़ने पर कितने रुपए जुर्माना राशि का प्रावधान है? तो दोस्तों ये 50,000 रुपए है। अगर कोई पालतू पशु को आवारा छोड़ देता है तो उसको 50,000 रुपए जुर्माने के रूप में सरकार को देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस स्थान पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है? तो दोस्तों ये झज्जर में जहाजगढ़ नामक स्थान पे पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। राज्य में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो राज्य में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला बरलू गाँव लोहारू भिवानी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अमावस के दिन किसी भी बैल को खेतों में नहीं जोता जाता है, उनको एक तरह से अमावस के दिन छुट्टी होती है। राज्य में कितने जनपदों में पशुपालन बीमा योजना लागू की गई है? तो दोस्तों ये 15 जनपदों में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ पर है? तो दोस्तों राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय लाला लाजपत राय है, जो कि हिसार में 2010 में स्थापित किया गया था। लाला राज पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित किया गया एकमात्र विश्वविद्यालय है हरियाणा में। 38 लीटर दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो 38 लीटर दूध देने वाली गाय की जो नस्ल है उसका नाम हरधेनु गाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार द्वारा सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो भेड़ की नस्ल का नाम है हरनाल भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1087 ग्राम है, जो कि जुलाई 2019 में रिकॉर्ड की गई थी। और अगर हम खपत की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति खपत 673 ग्राम। तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। अगर आपको प्रति व्यक्ति खपत पूछी जाती है तो 673 होगी, और अगर आपको उपलब्धता के बारे में पूछा जाएगा तो वो 1087 होगी अकॉर्डिंग टू जुलाई 2019। मुर्रा भैंस से तैयार किया गया नया क्या है? तो मुर्रा भैंस से तैयार किया गया नया क्लोन सच गौरव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हरियाणा में बीज प्रमाणीकरण संस्थान पंचकुला में स्थित। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।